Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. दादी आप क्यों आज़र की बातों में आ रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मेरी बात को गलत रंग दे रहा है। वो ऐसे इल्जामात लगा के अलीदगी के बहाने ढूंढ रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। बस शिजा, मुझे शायदा आंटी का घर आना अच्छा नहीं लगा। इरादे कुछ ठीक नहीं लगते उनके मुझे। शायदा फुप्पो का तो दिमाग खराब हो गया। असल तो जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर ये रिश्ता निभा रहे हैं। वो तो महज वसीला बने हैं शिजा को इस घर में लाने का। क्या हुआ मिशन? तुम तो बड़े अरमानों से लाई थी ना शिजा को इस घर में। कहाँ गए तुम्हारे शिजा को खुशियां देने के दावे? तुम तो खुद मुसलसल टूटती जा रही हो। शिजा के होंठों पे कहाँ मुस्कुराहट ला सकती हो तुम? मैं उससे खुद वादे किए थे, दावे किए थे उसे खुशियां देने के, सब गए भाड़ में। देखो चंद ही दिनों में तुमने शिजा के होंठों पे बची कुछ ही सारी हंसी छीन ली है। मिशन, दोस्ती के नाम पे धब्बा हो, अपनी दोस्त को धोखा दिया है तुमने। धब्बा हो दोस्ती के नाम पे। और क्या हो गया था? कशिशा आंटी के कहने पर असल को सी ऑफ करने चली गई। कौन सी बड़ी कयामत आ गई थी? दुनिया सही कहती थी ना मिशन, तुम ये रिश्ता नहीं निभा सकोगी। और तुम ये रिश्ता ना निभा सकी दोस्ती के नाम पे धब्बा। क्या खुदा है ये, मैं क्या कर रही हूं? हेलो, कैसी हैं शिजा? अरसल आपने मुझे क्यों कॉल किया? अगर इस वक्त मिशन मेरे साथ होती तो। वो तो इस वक्त किचन में है, आपके लिए आपका फेवरेट डिश बना रही है। मैंने भी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कॉल की है। अरसल आप ये बात कब समझेंगे कि मेरी आपकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं? जानते हैं आज भी मिशन इतनी हर्ट नजर आ रही थी। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मुझे आपको सी ऑफ करते हुए देख लिया था और वो कितनी ओवर सेंसिटिव है ये तो आप जानते हैं। और मेरा आपके मामले में क्या हाल है पता है आपको? ये मेरा हौसला है, आपके बगैर सांस लेता हूं, बात करता हूं। शेजा, अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ताईची का फोन था, करती ना उनसे बात। काफी देर से बात हो रही थी, तुम कहाँ थी? मेरे सर का दर्द ठीक हुआ तो मैंने सोचा तुम्हारी फेवरेट डिश बना दी। और शिजा हम लंच के बाद शॉपिंग पे चलेंगे प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरे इतने नाज मत उठाया करो वरना मैं बिगड़ जाऊंगी। अच्छा, बिगड़ी भी तो तुम पहले से हो। और ये क्या लगाया है? निम्रा और राहिला से मैं फैसला कुन बात कर चुका हूँ। शेडाडी का ये फैसला कतई मंजूर नहीं है मामी।
आप उनसे बात करें, नहीं तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। कहाँ भाग के जाओगी? ये जो इतनी अपनी दोस्तों पर मान है ना तुम्हें, एक हफ्ते से ज्यादा जाकर वहां रहकर दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। मैं अब आखिर डैडी का ये फैसला कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? क्यों नहीं लेती आप कोई एक्शन? तुम्हें क्या पता कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही। तौफीक ने मेरे और अपने इतने तवील साथ को पल भर में कौड़िका करके रख दिया और अपनी इकलौती बेटी पर उस गैर आदमी को फौकियत देकर अपनी माँ को तो खुश कर दिया उन्होंने। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने आज़र से तलाक ले ली तो डैडी मुझे अपनी तमाम जायदाद से महरूम कर देंगे? आप अपने लॉयर से बात करें इस सिलसिले में। आज़र ने तो माँ बेटे का ऐसा दिल जीता कि मुझे डर है कि तौफीक अपना सारा का सारा बिजनेस उसके नाम ना कर दे। शिजा तैयार नहीं हुई हो अभी तक? जाना है हमने, आंटी कमरे में सोने चली गई है, उठ गई ना तो बस फिर चली गए हम। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मिशेल अगर हमारे जाने के बाद आंटी उठ गई तो वो बहुत नाराज होंगी। नहीं, दोपहर के खाने के बाद तो खासी नींद करती है ना, हमारे आने से पहले शायद ना ही उठे। अब चलो। वैसे इस वक्त मुझे हमारा बचपन याद आ रहा है, हम इसी तरह आसमा चच्ची और अम्मी से छुप छुप कर खेले निकल जाया करते थे। ये भी तो वैसा ही एडवेंचर है, लेकिन अब चलो। और बिल्कुल आवाज नहीं करनी, इतनी सी भी आवाज हुई आंटी उठ के नहीं जा पाएगी। चलो, चलो।, चलो। मिशेल मेरे ख्याल से आंटी उठ गई होंगी। तो क्या हुआ अगर उठ गई होंगी? ज्यादा से ज्यादा डांडी खानी पड़ेगी, वो भी खा लेंगे लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद। चलो। हाँ भाई लड़कियों, बाप के बगैर आइसक्रीम खाने का प्लान बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हो? वालेकुम सलाम। तो आइसक्रीम खा रहे थे मेरे बगैर? नहीं नहीं, आपको कॉल करने वाली थी। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपकी बात। जी मम्मी सब खैरियत तो है? अरसल शिजा जब से इस घर में आई है ना, मिशेल का तो दिमाग ही नहीं मिल रहा। पहले कितना ख्याल रखती थी वो मेरा, अब तो वो अदब लिहाज सब कुछ भूल चुकी है। क्यों मम्मी, ऐसा क्या कर दिया? जैसे दोनों मेरे सोने का इंतजार कर रही थी, मुझे बगैर बताए दोनों घर से निकल गईं। देखो पहले मिशेल जब भी कहीं जाती थी मुझे इन्फॉर्म करके जाती थी। अरे मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अभी फोन करके उनको ठीक ठाक सुनाता। तुम्हारे लहजे से तो मुझे कोई नाराजगी छलकती नहीं नजर आ रही है। असल तुम खा को नहीं सुनाओगे? और हाँ, मिशेल को कहो कि शिजा को एक दोस्त के साथ साथ ना एक बीवी की जिम्मेदारी भी निभाने दे। मिशेल से कहने का कोई फायदा नहीं मम्मी, पहले शिजा तो मुझे अपना समझे। शिजा को वो दिन याद आ रहे थे जब हम भरी दोपहर में मामा और ताई जी से छुप के बाहर लॉन में खेलने चले जाया करते थे। तो क्या आज तुम दोनों ने फिर कोई ऐसी हरकत की है? आज अपनी सास से छुपकर मस्ती करने निकले। कितनी बुरी बात है। अच्छा है तुम्हारी सास दोनों की खैर। फिर उसे आप भी तो अस्मा चाची और अम्मी से छुप छुप कर हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, वो भी क्या दिन थे। ठीक कह रही हो, आज मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं अपनी दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ वापस उसी वक्त में चला गया हूँ। अच्छा है ना, और तुम मेरा फ्लेवर ट्राई करो, बहुत मजे का। जरूर आंटी ने अरसल को शिकायत लगा दी होगी, कॉल आ रही है, मैं तो पिक नहीं कर रही थी। मुझे तो अरे बेटा तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी निमरा से। अंकल को लगता है कि इनकी धमकियों से मेरा और निमरा का घर टूटने से बच जाएगा। नहीं अंकल, घर धमकी और जबर से नहीं, प्यार और आपस की अंडरस्टैंडिंग से बचते हैं।
ये मेरी धमकी नहीं, हतमी फैसला है। अगर तुम दोनों में तलाक हुई तो मैं निमरा को जायदाद से आग कर दूंगा। तौफीक, तुम अपनी बेटी को नहीं जानते? अगर वो तुम्हारी इस बात से मजीद कोई गलत कदम उठा ले तो? देखो, हमें इन दोनों को सोचने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। नहीं दादी, वक्त ही का तो वक्त नहीं रहा। और अंकल प्लीज, इसमें सिर्फ निमरा का कसूर नहीं, शायद मैं भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया। मेरी वजह से आप अपनी बेटी और बीवी को इस तरह नहीं खो सकते। ये बहुत जज्बाती फैसला है आपका। लेकिन आज़र अंकल प्लीज, जिन रिश्तों के लिए मैं सारी उम्र तरसा हूं, इन्हें मैं अब नहीं खो सकता। आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, कि मुझे दादी से मिलने से कोई रोकेगा नहीं, और आप भी मुझे अपनी शफकत से महरूम ना कीजिएगा। हेलो मिशेल, कहाँ हो यार? मम्मी का मूड सख्त ऑफ है। असल मैं फिरोज बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम? ओ अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। ये लोग क्या आपके यहाँ आए हुए हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो इत्तफाकन ही आइसक्रीम पार्लर के बाहर से गुजर रहा था, दोनों को यहाँ पकड़ा आइसक्रीम खाते हुए रंगे हाथों। अंकल अब उनका बचपना खत्म हो जाना चाहिए। वो लोग मम्मी को बताए बगैर ही चली गई थी और मम्मी काफी अपसेट है। अब आपको इस मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा। नहीं असल यू डोंट वरी, मैं नजमा साहिबा के पास इनको खुद ले जाऊंगा और सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन अंकल प्लीज, आइंदा के लिए भी इनको समझा दें, मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी बदमजगी हो। तुम फिक्र ना करो, मैं इन दोनों के कान खींचता हूँ। ठीक है अंकल, आप घर पहुंचे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ लेकिन हम आइसक्रीम खा के आएंगे। ओके बाय। अब आप दोनों मुझे ये बताइए कि आइसक्रीम खाने से पहले कान खिंचवाएंगे कि बाद में? बाबा तंग नहीं करें, लेकिन प्लीज इस सिचुएशन को हैंडल कर लीजिएगा, वरना मैं और शहजाद तो आज गए पक्के। अच्छा लो आइसक्रीम खाओ, देखा जाएगा। हेलो, हाँ मकसूद बोलो। अच्छा तुम उनके पास रहो, हम आ रहे हैं। ओके क्या हुआ बाबा, मामा ठीक है? बेटा वो हारिस का एक दोस्त अमेरिका से है, उसके जाने के बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, शायद वो बेहतर हो जाए। चलिए बिल्कुल, मैं भी चलूंगी फिरोज चाचा। अरे नहीं बेटा, वो अस्मा ऑलरेडी डिप्रेशन में। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, नजमा को कह देना कि इमरजेंसी थी, मिशेल हमारे साथ गई। लेकिन आंटी तो पहले इतने गुस्से में है, मैं उन्हें अकेले कैसे फेस करूंगी? मिशेल शहजाद तुम उनको बता देना ना कि मामा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम लोग वहाँ चले गए और तुम उनकी वजह से वापस चली आई, बल्कि मेरा भी बता देना कि मिशेल वहाँ रुक गई है। ओके हाँ चल। आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी वो अस्मा चाची की तबीयत खराब हो गई थी, हम सब वहीं गए थे, मिशेल अभी भी वहीं है, मैं आपकी वजह से वापस आ गई। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी के बाद तो तुम दोनों को टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए। जी अच्छा सुनो, मेरी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे देर हो रही है, मैं ऐसा करती हूँ अरसल को कॉल कर लेती हूँ ताकि तुम घर पे अकेली ना हो। हाँ ओ अरसल तो आ गया, ये कहीं तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है? नहीं नहीं आंटी। अच्छा चलो मुझे देर हो रही है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। ओके ओके Thank you.
कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं आपके लिए चाय बनाने लगी थी। मुझे चाय की नहीं, सिर्फ आपकी चाहत की तमन्ना है। लेकिन आपके पास मेरे लिए सिवाय बेरुखी की और कुछ भी नहीं। अरसल, अगर आप ये बात जानते हैं तो फिर मुझसे ऐसी चीज की तवक्को मत रखें। और चाहत जैसे लफ्ज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। शिजा, अपनी जिंदगी के साथ ऐसे तो ना करें। आपने तो जैसे अपनी खुशियों की डोर मिशेल के हाथों में थमा दी है। वो जब चाहे आपको हंसा सकती है और जब चाहे रुला सकती है। हरगिज नहीं अरसल, जिस शिद्दत से मिशेल आपसे मोहब्बत करती है, आप ये सिला दे रहे हैं उसकी मोहब्बत का। मैं भी तो आपसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता हूँ। मुझे क्या सिला मिलता है आपसे? कम से कम मिशेल की मोहब्बत का जवाब तो देता हूँ ना मैं। शहजाद, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है मुझ पर?